हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एक बार आपका पुनः स्वागत है शिव इंग्लिश ग्रामर क्लासेस में। दोस्तों, मैं तहे दिल से आपका स्वागत करता हूं और पढ़ाई लिखाई के साथ साथ हमको थोड़ी सी व्यवहारिक ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि कुछ पेरेंट्स के फ़ोन मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि मेरा बच्चा जो है उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता गुरुजी, क्या करूं। तो मैंने कहा ठीक है, प्रयास करता हूं। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। एक दार्शनिक थे, उनका नाम था विलियम जोन्स। उन्होंने कहा था, इस बात की सर्च की थी कि ईश्वर है या नहीं है पता नहीं। हम इसी बात पर चर्चा करते हैं कि हमने ये मान लिया कि चलिए ईश्वर है तो हमको क्या लाभ होने वाला है। जैसे गॉड जो है वो है तो उससे हमें क्या लाभ होगा। हम जो है, हमारा विश्वास बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दूसरी बात यह है, श्रद्धा का भाव बढ़ेगा। दयालुता का भाव बढ़ेगा, हमारे अंदर दया की प्रवृत्ति आएगी। और सकारात्मक सोच, अकेलेपन में थोड़ा सा रहने की आदत भी होगी। आपने देखा कि भगवान की पूजा पाठ लोग एकांत में करते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वो भी जा करके कहीं गुफाओं में बैठ करके तपस्या करते थे। तो उसमें क्या है कि व्यक्ति अपने आप में लीन हो जाता है, अपने आप में खुश रहने लगता है, तो समझ लीजिए वो जीवन में बहुत सुखद महसूस करेगा। जैसे व्यक्ति खुश कब रहता है, कुछ लोगों का स्वभाव होता है, जैसे अपने मन की बात वो दो चार लोगों से जब तक कर ना लें, किसी से फ़ोन से बात ना कर लें, अपने कहीं घूम ना लें, तो उससे क्या रहता है, उनके अंदर जो है तनाव कम हो जाता है। तो हमें अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अपने अंदर का प्रेशर जो है वो कम करना होगा और खुश रहना होगा। लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना होगा कि हम पढ़ लिख तो रहे हैं, लेकिन किताबी ज्ञान होने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जैसे कुछ चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। जैसे कोई बड़ा हमसे कुछ समझाता है तो उनकी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, तो हमको ध्यान देना चाहिए। जो हिंसक प्रवृत्तियां हो रही हैं पढ़े लिखे व्यक्तियों में, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो गुस्सा तभी आता है जब व्यक्ति दबाव महसूस करता है, प्रेशर में रहता है। तो ईश्वर में विश्वास रखने से क्या होता है कि हम बहुत सी अच्छी बातों को सीखते हैं। एकांत में भी रहना पसंद करने लगते हैं थोड़ा बहुत, और कम बोलना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना चाहिए, अधिक नहीं बोलना चाहिए। जैसे किसी का फ़ोन आया तो क्या है कि हमने ध्यान ही नहीं दिया, एक बार, दो बार, तीन बार, तो ये भी एक हमारी अच्छी बात में काउंटिंग नहीं होगी। पढ़ने लिखने के साथ साथ में बहुत सी व्यवहारिक बातों पर भी ध्यान देना है। तो हजार बातों की एक बात ये है, मैं एक छोटी सी शायरी के बहाने से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, उम्मीदों के दिए बुझाया नहीं करते, दूर हो मंजिल पर पांव डगमगाया नहीं करते। हमारी मंजिल कितनी भी दूर हो लेकिन हमारे पैर नहीं डगमगाना चाहिए। हो दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने का, वो मुश्किलों से घबराया नहीं करते।
तो साथियों, हमें पढ़ाई के साथ साथ आशावान रहना चाहिए, सकारात्मक सोच रखना चाहिए, ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, तो मंजिल आपकी ज़्यादा दूर नहीं है। उसके बाद मैं अगली बात आपको, दोस्तों, मोटिवेशनल व्यूज के बाद मैं अपने टॉपिक पर आता हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा था वर्ब, तो मैंने आपको टॉपिक हमारा वर्ब था, तो वर्ब में मैंने आपको दो बातें बताई थी कि वर्ब हमारी मेन प्रकार से दो प्रकार की होती है। एक बताई थी मैंने मेन, दूसरी बताई थी ऑक्सिलरी। और ऑक्सिलरी में आपने मैंने आपकी दो बताई थी, एक तो बताई थी प्राइमरी और एक बताई थी मॉडल वर्ब। तो प्राइमरी मैंने आपको बता दी थी कि ये तीन होती हैं, डू, हैव और बी। ये तीन वर्ब होती हैं जिसमें इनका प्रयोग केवल टेंसों में किया जाता है। जो भी हमारे टेंसेस होते हैं इनका प्रयोग उनमें किया जाता है। लेकिन अब जो मॉडल वर्ब्स हैं मैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमारे मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी होती हैं, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। मॉडल वर्ब्स हैं क्या, पहले ये हम ध्यान में देखेंगे कि मॉडल वर्ब ये भी हेल्पिंग वर्ब का ही कार्य करती हैं, पहली बात। और मॉडल वर्ब्स इनकी जो विशेषताएं हैं ये देख लीजिए कि नंबर एक तो है कि ये हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं। दूसरी बात यह है, मेन वर्ब से पहले इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई कैन गो, तो कैन आई ये मॉडल वर्ब आई, तो मेन वर्ब से ये पहले आ गई, ठीक है। मॉडल वर्ब जो होती है वो 13 होती हैं, ये इनके नंबर या पर्सन से कोई मतलब नहीं, जैसे सिंगुलर नंबर का हो चाहे प्लूरल नंबर का हो, लेकिन उनमें कोई बदलाव नहीं होता है। मॉडल वैसी ही रहती है, जैसे एक उदाहरण मैं देता हूँ, द बॉय कैन जंप, ओके। अगर मैं ये कहूँ द बॉयज कैन जंप, तो हमारे इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, यहाँ भी कैन है यहाँ भी कैन,
इसी प्रकार चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड पर्सन हो, हमारी मॉडल कभी भी चेंज नहीं होती है। ओट तथा यूज के बाद टू लगाते हैं। ये भी बात आपके आना चाहिए समझ में। नीड देयर नीड का, डेयर का, यूज का प्रयोग मेन वर्ब की तरह भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। ये तीन वर्ब, इसीलिए इनको हम सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। इसलिए हम इन्हें सेमी मॉडल्स भी कहते हैं। इसके बाद में एक बात हमारी निकल के आती है कि जो हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं कौन कौन सी होती हैं। मॉडल वर्ब्स आपकी जो 13 होती हैं मैंने बताई थी, एक कैन हो गई, कुड, मे, माइट, मस्ट, बिल, शैल, वुड, शुड, यू टू, ओट टू, नीड और डेयर, ये हमारी मॉडल वर्ब्स होती हैं 13। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, हमको 2-3 पार्टों में करना पड़ेगा और एक एक चीज़ के लिए मैं बारीकी से आपको समझाने वाला हूँ। तो चाहे कैन हो, चाहे कुड हो, मे हो, माइट हो, स्ट्रक्चर आप सेंटेंसेस के आधार पर ही हम तय करेंगे कि कौन सी मॉडल वर्ब हमको कहाँ लगानी है। जैसे कैन का मतलब भी सकना है, कहीं कहीं पर कुड का भी मतलब सकना आता है, कहीं पर मे का भी मतलब सकना आता है। तो अभी मैं इतनी बात बता रहा हूँ, अगले टॉपिक में मैं आपको ये सारी वर्ब्स 2-2, 3-3 करके समझाऊंगा। तो साथियों, आज मैंने अभी मॉडल वर्ब्स के बारे में थोड़ा सा आपको बताया कौन कौन सी मॉडल वर्ब्स होती हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती हैं। इसके बाद में हर एक का क्लासिफिकेशन में आगे करने वाला हूं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे हम जल्दी ही दूसरा मॉडल वर्ब का एक एक का क्लासिफिकेशन करेंगे। अगले उसमें मैं आपको फिर हाजिर रहूँगा। ठीक, थैंक यू।